नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मथुरा, राहुल गांधी के बयान का विरोध कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा, सामाजिक हिंदूवादी नेता और साधु संतों ने राहुल गांधी के बयान का विरोध कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस की नैया डुबो रहे हैं। वैसे भी उन्होंने जनता को धोखा दिया है। राहुल गांधी के हिंदू को लेकर की गई बयानबाजी ने संसद से लेकर मथुरा वृंदावन तक में हंगामा मचा दिया है। अब संतों ने गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, माफी की मांग की है। भाजपा के नेताओं के हिंदू न होने और हिंसा नफरत फैलाने वाला बताया। इस पर मथुरा वृंदावन के संतों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हिंदू नहीं होने संबंधी विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है और उनसे माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी से पूरे हिंदू समाज को कलंकित और अपमानित किया है। भाजपा महानगर के अध्यक्ष घनश्याम लोधी ने कहा उनको माफी मांगनी चाहिए। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। संत समाज में बड़ा आक्रोश हो रहा है इस बात का कि जी इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए और अपने इन शब्दों को जी वापस लें, जिन शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और मैं सभी ब्रजवासियों से और सभी हिंदुत्ववासियों से ये कहना चाहूंगा कि इनको इस बात का जवाब दें, ये अपनी जवाब इनको विलाम दें इस बात पर। देखिए, मैं समझता हूं कि ये राहुल गांधी जी के दिमाग का दिवालियापन है। उनका मेरे ख्याल में अध्ययन पूर्ण नहीं है। ये आदिकाल से चला आ रहा है कि हिंदू ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान भी करता है और हिंदू संस्कृति के अंदर सभी संस्कृति फलती फूलती भी है। हिंदुस्तान में आज से अगर हम कुछ सौ साल पीछे जाएंगे, कुछ सैकड़ों साल पीछे जाएंगे, हम पाएंगे कि यहाँ पर ये जितने भी आज दूसरे धर्म के लोग दिख रहे हैं ये सब हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म जो है वो सहिष्णु है और वो सबको समाहित करके चलने वाला धर्म है। हिंदू कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। हिंदू के पैर के नीचे चीटा भी आ जाता है और राम राम कह करके वो पीछे चला जाता है। हमारे यहाँ दूसरी सभ्यताओं के दूसरे धर्मों के लिए सर्वधर्म संभाव की दृष्टि है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कुछ बोला है, मैं समझता हूं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, वो दिमागी तौर पर उनको अपना इलाज कराना चाहिए। और हिंदुओं का अपमान कोई पहली बार संसद में उन्होंने नहीं किया है, उनके पुरखेदादे भी करते आए हैं। देश को धार्मिक आधार पर बंटवारा करने वाले भी यही लोग थे। देश में जितना भी आज अनरेस्ट फैला हुआ है उसके सबके कारक और उनके सबके प्रेरक ये कांग्रेस वाले ही हैं। भगवान राम के मंदिर के बारे में टीका टिप्पणी करना, रामायण के बारे में टीका टिप्पणी करना, ये कोई आज नया खेल नहीं है। आपको याद होगा कि इन लोगों ने पहले भी उंगलियां उठाई थी और हाई कोर्ट में इन्होंने हलफनामा दिया था राम को कपोल कल्पित करेक्टर बताते हुए, रामायण को कपोल कल्पित ग्रंथ बताते हुए, और फिर जब पब्लिक का प्रेशर पड़ा तो इन्होंने दूसरा एफिडेविट दिया। तो ये लोग जो है हमेशा से ऐसा करते आए हैं, इसीलिए आज इनकी स्थिति ये हुई है। और ये स्थिति मैं समझता हूँ आज थोड़ी सी कुछ सीटें इनकी बढ़ गई है ना, तो उससे ये ओवर एक्साइटेड है। इनको पता नहीं है कि हिंदू समाज ने अगर करवट ले ली तो ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। हिंदू अगर हिंसक होगा तो अहिंसक है ही नहीं इस दुनिया में कोई।
जो व्यक्ति जो हमारे यहाँ धर्म में जब हमारे कथावाचक प्रवचन करते हैं तो अंत में वो कुछ नारे लगाते हैं, कुछ स्लोगन लगाते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में यानी कि केवल इंसानों में नहीं, मनुष्यों में नहीं, हिंदुओं में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ऐसी इसको आधार मानकर चलने वाले लोग, इसको आधार मानने वाले लोग हिंसक कैसे हो सकते हैं? कभी कोई एक उदाहरण बता दे हमें कि हिंदू ने कभी अपने पहल करके किसी पर आक्रमण किया हो। लेकिन इन लोगों ने हिंदुओं के मान बिंदुओं का हमेशा अपमान किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के राम मंदिर बनाने के लिए इन्होंने हमेशा बाधाएं डाली। ये जिस राम मंदिर के जीतने की बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं है इन भगवान के राम मंदिर को बनाने में सबसे ज्यादा बाधा डालने वाले अगर कोई थे तो वो कांग्रेस ही थे। जब जब इसका निर्णय होने पर आता था तब तक इनके वकील कपिल सिब्बल जी वहां एप्लीकेशन देते थे कि अभी इसका परिणाम आने से चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। इस तरीके मानसिकता रखने वाले लोग हैं, चाहे ये रहे हो या करुणा निधि रहे हो, चाहे कोई और रहे हो, कांग्रेस का इतिहास ही ऐसा है। ये अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बताते कि इनका अपना बैकग्राउंड क्या है। हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आई कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। क्या इनको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए इनको, समग्र राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए, हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। केवल हिंदू के बारे में बोलेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सभी धर्मों का, संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू को तुष्टिकरण के तहत अपमानित किया जाए, उसके मान बिंदुओं का अपमान किया जाए, ये तो ना कोई हिंदू सहन करेगा, ना भारतीय सहन करेगा और ना हम लोग सहन करेंगे। ये बताए राहुल गांधी ने हिंदू को हिंसावादी कहा, तो कह रहे हैं राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए हिंसावादी कहा है और हिंदुओं का ये अपमान किया है, और ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये संत समाज के लिए बहुत बड़ा सम्मान खराब होने वाली बात है। इसमें मैंने ये हिंदुत्व पे शंख जगाया है और मैं हिंदुत्व पर हिंदुओं से ये कहूँगा, सब जागो और इनको इस बात का उत्तर दो जिससे कि इनकी बुद्धि सही हो। और इनकी बुद्धि में अगर इन पर बोलना नहीं आता है तो ये एंकर रखे हैं बोलने वाला, कम से कम अपने शब्दों से सही तो जवाब दे। ऐसे शब्द बोलते हैं जो हिंदुत्व के लिए सम्मान खराब हो रहा है हिंदुत्व का, इस पे ये सुधार करें। हिंदुओं का धर्म आप जानते ही हैं, पूरे विश्व में शांति का संदेश देते हैं। हिंदुओं का धर्म क्या है? दूसरों के लिए परोपकार का देश रहता है। अब राहुल गांधी को समझ में नहीं आता, हमारी समझ में, कि राहुल गांधी इस तरह के बयानबाजी एक पक्ष को खुश करने के लिए देते हैं और इससे कुछ होना नहीं है। 75 साल से उनकी सरकार जो बनी हुई थी, उनके पूर्वजों ने जो देश पर राज किया वो हिंदुओं की बदौलत किया है, ना कि मुट्ठी भर लोगों की वजह से। आज ऐसी बात कही है तो हम उसका घोर विरोध करते हैं और उसे निंदा करते हैं। राहुल गांधी को अगर हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता है तो वो इटली चले जाए ना, वहाँ अपनी संप्रदाय को बनाइए। आज हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुओं की क्या, हिंदू सनातन की बात करनी होगी आपको, सनातन में जीना होगा। आप मंदिर देवालय जाके क्या संदेश देते हो? आप एक तरफा बात करते हो, इस तरह की बातें करना बहुत घोरी अपराध है और हम लोग इसका निंदा करते हैं। इनकी बयानबाजी से संत समाज में बहुत बहुत बड़ा आक्रोश है। आज संत समाज की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि यहाँ राहुल गांधी जी का पूर्व विरोध है और घोषणा अगर संतों ने कर दी तो मैं समझता हूँ देश में अब तक इनकी सरकार यहाँ कहीं थी वो धीरे धीरे सब जगह से पतन हो जाएगी। अगर सनातन की बात ये इस तरह से आलोचना करते रहेंगे और इस तरह से बातें करेंगे तो निश्चित ही इनकी पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ऐसे कैप्टन से पूरी उम्मीद नहीं है। भारत के एक आने वाले ये अच्छे नेता हैं और नेताओं को अगर ऐसी बयानबाजी करेंगे इनसे बचना चाहिए।